ले लक्ष्मण देवरा, लखनऊ से चले लक्ष्मण देवरा, तरसिया जी के नैहर हो, रामालय के अवध न्योता पातीत घर गोजर होई हो, रामालय के अवध न्योता पातीत घर गोजर होई हो। अब न्योता किसको किसको गया, यहाँ बहुत से लोग अभी जानते हैं लेकिन जो बाहर से आए हैं इसलिए। पहला नेवत राजा जनक जी, दूसरा जनक रानी हो, रामा तीसरा मिथिला पुर वासिन, सादर मनोहर करे वो, रामा तीसरा मिथिला पुर वासिन, सादर मनोहर करे वो। लक्ष्मण जी कौन पाचार थे और सब तो सीता से नहीं, लेकिन लोग ये तो आता है कि लक्ष्मण सब कुछ कहते थे, सीता को सब पूछते थे, लक्ष्मण देवरा इसी को बोलते थे। तो कहते हैं, अरे अरे भौजी सीता रानी, अवध पधारो नवा मंदिर देखहु हो, भौजी सीता रसोइया जगावत दिन से घर भोजन हो, भौजी सीता रसोइया जगावत दिन से घर भोजन। अवध से तीनों माई पठई तर बचर चुनैया हो, रामा बचरंग चुनैया अवध पेटारी हो, भौजी कहिए सोर हो सिंगारत पर हो मन हो, भौजी कहिए सोर हो सिंगारत बर हो भूषण हो, बहुजी ओढ़ी ले अवध पिछौनी, बहुजी ओढ़ी ले अवध पिछौनी, रथ पर विराजहु हो, बहुजी ओढ़ी ले अवध पिछौनी, रथ पर विराजहु। हम चारों भैया आनन भैया, हम चारों भैया आनन भैया, पधारो नए मंदिर हो, भौजी मगन होए अवध नगरिया, जगर मगर ज्योति जरे हो, भौजी मगन होए अवध नगरियात जगर मगर ज्योति हुई हो। और ये भी कल्पना किया हमने कि लखनऊ से ज्योति लेकर के लक्ष्मण जी चलेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं कि लखनऊ का नाम भी लक्ष्मणपुरी या लखनपुरी किया जाए। कई मंचों से इसके लिए मांग उठी है और हमारे आदरणीय योगी जी ने वचन भी दिया है, कहा भी है कि कोशिश करेंगे। जैसे प्रयाग का नाम इलाहाबाद बदल गया, इलाहाबाद होगा उसे लखनपुरी बनाने के लिए प्रयास है, तो यह ज्योति वहाँ से चलेगी और जनकपुर तक जाएगी, ये कल्पना है। क्योंकि हम लोग लेखक लोग तो सपने देखते हैं, राजनीति में उसको पूरा करते हैं, सपने देखना हमारा काम है। और विश्वास है कि आज राजनीति के जो हमारे संरक्षक हैं भारत सरकार से लेकर उत्तर प्रदेश तक, तो ये सपना हमारा पूरा जरूर होगा। और माँ सीता के जो उन्होंने जो कष्ट भेजा है उनके कष्टों को हम भुलवाने की कोशिश करेंगे, और श्री राम सबके अपने हैं, मैं ना जाने तो मतंग के राम
आपने कहा तो सबके राम सबके हैं और अलग अलग अपने में, हर भाव में राम है, हर सुख में राम है, हर सिद्धि में राम है। ऐसे राम के चरणों में नमन करते हुए गोस्वामी जी के शब्दों में सिया राम मैं सब जानी करूँ।